उसके स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, आप 3 होल देख पाएंगे उसके सिर पे, क्योंकि वो पेड़ काटने वाली टूल से मारा है, दराती से। उससे इतनी जोर से मारा गया है कि उसकी एक आंख निकल आई है। कॉल आईना में क्रूल्टी केस के लिए एक डॉग को बुरी तरीके से मारा है ना, लंच से यहाँ से 32 किलोमीटर। कोई रीजन नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि डॉग अग्रेसिव है या कोई कारण ही नहीं है। अगर हमें बंदे का पता है तो हम FIR कर सकते हैं। This was an attempt to murder ना। उसने मारा है, उसे लगा कि वो डॉग मर चुकी थी, तब जाके वो उस लोकेशन से चले गए थे। लेकिन 4-5 दिन वो डॉग के वहीं पे रहने के बाद वो जब उठ पाई तो वो उसी जगह पे आ गई थी जहाँ पे उसे फीडिंग करते हैं, तब जाके उन्होंने हमें आज कॉल किया और बोला कि अभी भी जिंदा है और इसे हेल्प की ज़रूरत है। अभी हम इसको फ्लूड थेरेपी दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसका बॉडी फ्लूड बिल्डअप हो और थोड़ी सी डिहाइड्रेशन की करेक्ट हो सके और थोड़ी सी इसमें जान भी आए। और ये बहुत इमेचुरेट भी है, कितने दिन से इसने खाना भी नहीं खाया होगा, दर्द में होगी और साथ ही साथ जो इसने भी इसके बॉडी के फैट्स हैं वो यूटिलाइज हो गए हैं इस चक्कर में। पिछली बार के अपडेट के बाद बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई जो लोग वो पपी रेस्क्यू करके लाए थे मैं उन पे भड़का क्यों। देखिए हमारे एनिमल रेस्क्यू की एक लिमिट है 40 एनिमल्स की, उसके बावजूद हमने 60 एनिमल्स ले रखे हैं। ज्योति के घर में पपीज हैं, सलोनी के घर में पपीज हैं, रवीना ने एनिमल्स रखे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हमने पपीज रखे हुए हैं। इसके बावजूद लोग हमारी लिमिट समझने को तैयार नहीं है कि भाई हम तो यहाँ जानवरों की हेल्प करने के लिए ही है ना, पर अगर हमारे पास जगह ही नहीं है तो हम क्या करें। लोग कहते हैं कि भाई हम तो आपके करके ये रेस्क्यू लाए, हम इसको सड़क पे मरने देते और हमारे पे इमोशनल दबाव डालते हैं जिससे सिर्फ हमारा मनोबल गिरता है। अगर आपको जानवरों की हेल्प करनी है और आपको पता है कि एक रेस्क्यू अपनी सीमा से पार जाके काम कर रहा है तो एक पपी को तो आप भी रख सकते हैं। खैर कायदे से मुझे भड़कना नहीं चाहिए था, पर जब रोज़ मेरी लिमिट्स, हमारी संस्था की लिमिट्स डिसरिस्पेक्ट होती हैं तो फिर धैर्य की भी एक लिमिट आ जाती है। सर वो शराब वाले केस का क्या हुआ? उसको बाय ट्रैप लगा था ना, सेम डे या पिछले दिन लगा था, तो हम उसको कैचिंग करने गए तो बाय निकालने थे हमें, और हम कैचिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब एक गली में थी तो नीचे कचरा काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, तो जैसे गौरव और डाला तो वो गिर गया गौरव, उसको बाजू में लग गया वो शांत। अब देखो लोग कहते हैं कि कुत्ते अग्रेसिव हो जाते हैं खाना देने से, अब तो केस इन पॉइंट है कि ये जो डॉग जो तुम्हारे कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पर्दा है वहाँ पे कि अग्रेसिव नहीं, फूड देते ही शांत हो गया। तो अगर लोग भी डॉग्स को खाना दें, बिस्किट दें तो वो देंगे। इसकी शक्ल एक बार यहाँ से ले लो गुरु। ओह थैंक यू स्मार्ट। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो दोनों? ये राधा यहाँ पे क्यों आए हैं? परी का पेपर है और वैसे भी घर में आवारा गति करते तो मैं ले आती हूँ इनको ना, ताकि यहाँ पे रहे, मेरी नजरों के सामने पढ़ते भी रहे, इन्हें पढ़ती भी रहे दोनों काम होते हैं। इंडियन वे ऑफ पेरेंटिंग। राधा जी तो राधा दीदी का टूल तो दिखा दो कैमरे में, मैं तो रिडीम हूँ ना। ऐसे होता ना कि भाई मेरे से भी बुरे बुरे लोग हैं, देखो मैं तो सिर्फ गुस्सा करता हूँ, राधा छड़ी बच्चों को पीटती है। हमें इस बार भी कचारी से एक कॉल आई थी जिसमें एक बछड़े को काफी ज्यादा सीवियर डॉग बाइट्स थे। कोई कह रहा था उसकी मदर बहुत पीछे भाग रही थी, कुछ हुआ है क्या? हुआ है जब इसको उठा के लेके आए तो वो रो रही थी और पीछे भाग रही थी गाड़ी के ना, तो हम उसको भी लाना था, पर इसको स्पाइन पे काटा हुआ था तो हमने पहले चेक करना था कि इसकी कंडीशन कैसी, कि बचेगा या नहीं बचेगा, इसलिए माँ को साथ में नहीं लाए। अगर बच जाता तो हम नेक्स्ट डे माँ को भी ले आते साथ में। तो उसको लाना था सिर्फ बच्चे के लिए, बच्चे वो ठीक थी, वो ठीक थी। हमने इसका एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि सिर्फ मसल ही टियर था ऊपर से, इसकी जो स्पाइन है वो फ्रैक्चर नहीं है ना इसको कोई इंजरी है ज़्यादा स्पाइन को। हमने एनएस से क्लीनिंग किया इसका, फिर हमने बेटाडीन से भी क्लीन किया, फिर हमने ऑनमेल लगा दिया ताकि इसमें मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। अभी हम इसकी सीटोनिंग कर रहे हैं, हम जो खाली स्पेस है उसमें हम गॉस बेटाडीन डिप्स वाली भर रहे हैं। एक्चुअली ये अपना डॉग ढूंढ रहे हैं और इनको किसी ने बताया था कि कोई गाड़ी आई थी और वो उठा कर ले गए। अब इन्हें कोई दिखा दो उनकी तसल्ली हो जाएगी। हम तो चाहते हैं यहाँ से कुत्ते जाएं। मैं कह रहा हूँ भगवान की दया से मिल जाएगा आपको, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई आपको दिखता है तो आप उसे भी ले जा सकते हो, मना नहीं करेंगे। लोग हमेशा अपना पेट यहाँ पे देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, ऐसे कह के आ जाते हैं। कई बार इंजरी वाले अपने खुद के डॉग्स को भी यहाँ पे छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन पहली बार कोई अपना डॉग ढूंढने आया था। एक पपी को एक मंकी उठा कर ले गया है ना, हमें अभी तक तो ये पता था कि वो उसको पकड़ के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने ये बताया कि कल से लेके गया का कैरी कर रहा है। जो कल हम केस में बता रहे थे कि बंदर पपी को उठा कर ले गया है घर से, उसके अलावा भी फिर कॉल आया है, अभी वो लोगों को बंदर दिखा है और पपी उसके हाथ में ही है अभी तक, तो अभी हम लोग उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं। फूड के ट्राई करेंगे। फेस देखने को भी नहीं हो रहा, आप देखो ना ये
हिस्सों में तीन चार मतलब जगह से स्कल तो स्कल का कोई टुकड़ा मिसिंग भी है सर बता रहे थे कि पीसेस तो थोड़े निकले हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है ना इस केस में हम तो बीच में भी एक छोटा ऐसे वीडियो बनाने लगे कि देखो हमारे पास जैसे केसेस आते हैं कि वो भाई मदर आई है उसका मरा हुआ बच्चा है वो फंसा हुआ है बच्चेदानी में निकल नहीं पा रहा भाई जानवरों को बीमारियां होती हैं वो अस्पताल नहीं जा सकते हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए हेल्प नहीं करनी चाहिए खाना तो दें पर जब ऐसे केसेस आते हैं ना क्रूअल्टी वाले तो फिर हमारा भी मनोबल टूट जाता है कि भाई मतलब क्या क्या कहें लोगों को खाना मतलब हम तो ये कहें भाई मारो मत कम से कम मतलब जो उनको भगवान की तरफ से मार पड़ रही है वही बहुत है अब जिसने इसको मारा उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना कोई फोटो ना वीडियो सिर्फ एक कही सुनी बात है और जो कह रहे हैं वो भी निजी कारणों की वजह से पुलिस के सामने नहीं आ सकते और बिना आरोपी का नाम दिए तो FIR कराने का जानवर के केस में कोई फायदा नहीं है मेरे को तुमसे पूछना था हम होली के लिए भोला को ऐसे दो चार पाँच मिनट पानी डाल सकते हैं इसको तो मजा ही आएगा ना हाँ, ऐसे को हाँ, अच्छा हाँ, यही पूछना था इसको तो हम लोग रोज पानी रोज ही होली करते हैं रोज इतना ही होली खेलनी चाहिए यानी मैं उसके साथ भाई जिसको पसंद है पानी थोड़ा पानी सिर्फ पानी सुबह स्पॉट को भी हम खड़ पे ले गए थे रोज ही लेके जाते हैं पर आज उसको अच्छे से गीला वीला करके एकदम मस्त खुश था वो एक रेस्क्यू हमारे पास भाली से भी आया है जिसे राजू जी लेकर आए हैं इस बैल के आगे वाले पैर में हील्ड फ्रैक्चर है उसका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका जो बोन है सामने के पैर का वो टूटा था लेकिन इतना समय होने के कारण वो हील भी हो गया लेकिन गलत तरीके से मैं जो बोन है वो थोड़ी सी आगे की तरफ निकली हुई है जिसके कारण वहाँ पे घाव है घाव में मैगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है जैसे ही मैगेट्स मर जाते हैं बोन को थोड़ा कट करके हम वहाँ पे स्प्लिंटिंग कर देंगे ज़्यादा तो चांसेस नहीं है कि उसका पैर पूरा सीधा हो जाए लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे अभी हम डॉग्स के मंथली बॉडी वेट्स ले रहे हैं हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा डॉग्स की ग्रोथ परफॉर्मेंस चेक कर सकें कई बार कुछ डॉग्स ओवरवेट हो जाते हैं तो उन्हें हमें कुछ डाइट प्लान में चेंज करके उनका वेट रिड्यूस करना पड़ता है कभी एक्सरसाइज भी करानी पड़ती है ताकि वो थोड़ा वेट लूज़ करें और कई बार कुछ डॉग्स अंडरवेट होते हैं पहले से ही तो उनमें हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं डाइटरी भी जिससे कि वेट गेन हो और कई हमें अंडरलाइंग डिजीज़ भी देखनी पड़ती हैं जिसमें कि वेट लॉस होता है ताकि हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकें और उनको हम सही ट्रैक पर ला सकें R6 है हमारा R सिग्नल S6 उसको पार्वो हो गया अभी तो आपके जिस हिसाब से पार्वो के केसेस आ रहे हैं तो देयर इज नो वे कि आप प्रिवेंट कर सकते हो तो जो हमारे हॉस्पिटल बन जाएगा जहाँ पे हम थोड़े प्रोटोकॉल भी रखेंगे मुझे नहीं लगता वहाँ पे भी आप पार्वो को कंटेन कर सकते पार्वो वैसे लोग घर पे अपना सपोर्टिव थेरेपी करें बजाय कि रेस्क्यूज में लेके आए पार्वो का जो एक जो सबसे टेलटेल साइन है वो ये है मतलब जो ऑब्वियस सिम्टम है जो डॉग्स की पूप है वो एक तो डार्क हो जाएगी लिक्विड और काफी स्मेली और वो बहुत अलग स्मेल है कि आप इतना तो नोटिस कर पाओगे कि समथिंग इज रॉन्ग इस बछड़े के लिए मुझे दीक्षित जी ने छतरी से फोन किया उनके घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर जंगल के एरिया में इस बछड़े को किसी ने अबैंडन कर दिया और उसके टांग में एक घाव भी दिखा उन्हें जंगल एरिया था बछड़े के लिए खतरा भी था इसलिए वो पहले उसे अपने घर ले आए और अगले दिन उसे शाहपुर हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बताया कि इसका प्लास्टर लगेगा डेली अप डाउन उनके लिए पॉसिबल नहीं था इसलिए उन्होंने हमें फोन किया अगर हम उसे पूरी तरह रिकवर होने तक यहाँ पे रख पाए आगे वो उसे रख लेंगे अपने घर पे कि टांग जो है वो पूरी तरह टूट चुकी है हमने फिलहाल उसे पेन किलर पे रखा है और उसके टांगों की स्प्लिंटिंग की है प्लास्टर नहीं कर पाए क्योंकि उसकी टांग पर ऊपरी घाव है प्लास्टरिंग करने से वहां पस क्रिएट होने का खतरा था इसलिए पहले हम उसे स्प्लिंट करेंगे डेली चेक करेंगे उसकी ऊपरी घाव जब ठीक हो जाएगी फिर हम उसे प्लास्टर करेंगे अच्छे से रेडी रेडी रॉबिन स्माइल स्माइल चश्मे पे ग्लेयर तो नहीं है नहीं है तो मुंह मुंह बोला बोला ऊपर बोला ऊपर भाई ऊपर 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 भाई सेंसुअल होना चाहिए क्या है ज्योति पपी मिल्क ये हम लोग एज के हिसाब से क्वांटिटी फिक्स करते हैं 1 मंथ का है तो हम लोग 20 ml वाटर विद 1 स्कूप ऑफ पपी मिल्क हम लोग रॉयल कैनाइन यूज़ करते हैं और भी काफ़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं मैं अभी 2.5 months के पपी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 80 ml वाटर एंड 2 स्कूप्स ऑफ पपी मिल्क यूज़ किया ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना होता ना इसमें थोड़ा कुनकुना गर्म पानी आज हम धनिया और टिंडा दोनों का स्टेपल्स जो है जो उनकी पिन सर्जरी के लिए यूज़ हुआ था उसको रिमूव कर रहे हैं ये दोनों की फ्रंट लेग में पिन सर्जरी हुई थी और 21 डेज के बाद वो पिन रिमूव होनी थी पालमपुर में क्योंकि इसके लिए पहले एक्सरे कराना होता है और ये देखना होता है कि जो बोन है वो सही तरीके से सेटल हुई है कि नहीं लेकिन पालमपुर में स्ट्राइक होने की वजह से अभी हम उन्हें यहाँ वहाँ भेज नहीं पा रहे हैं और एक्सरे नहीं हो पा रहा है क्योंकि आसपास में भी कोई एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है
तो अभी हम इनके पिन रिमूव बस कर रहे हैं ताकि हम इनके जो कोन्स हैं वो हटा सकें, और जैसे ही वहाँ की स्ट्राइक ख़त्म होगी हम इनको एक्सरे और पिन रिमूवल दोनों के लिए भेज देंगे। सिग्नल जो हमारे पास हमीरपुर से आया था वो एक अबेंडन पेट था, उसको स्किन इन्फेक्शन था काफ़ी सीरियस और उसका पिछले पैर में भी काफ़ी इंजरीज थी। उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से चली लेकिन उसके बाद यहाँ पे पार्वो के ब्रेकआउट होने की वजह से सिग्नल को भी पार्वो हो गया था। इन्फेक्शन उसकी बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गया था और ट्रीटमेंट पूरी करने के बावजूद भी हम उसे नहीं बचा पाए। ये हमारी रेस्क्यू, ये हमारी रेस्क्यू, ये मिली है परसों वॉक पे, मसूरी है इसका नाम, इसकी नाक तो बम्प है। ये नाली में फंसी हुई थी, इसकी मॉम भी नहीं थी आसपास, नाली में रो रही थी, हमने निकाला। पहले रवीना ने फॉस्टर किया और रात को ज्योति रखती है, दिन में इसको सारा ऑफिस फॉस्टर करता है। अगर आपने अडॉप्ट करना है तो प्लीज कॉल 9882161677। ओ बाय द वे प्रतीक, इन्होंने और हर्ष ने शुरू किया जो फार्म प्रोजेक्ट है, तो अगर आप इनके फार्म प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो इनको ईमेल करिए pratik@peoplefarm। ईमेल चेक करते हो तुम? हाँ जी, हाँ जी करता हूँ, pratik@peoplefarm.org, दैट इज विद डबल ई। तो लारी के लिए मैंने बात की थी उससे जो उसको लेकर आए थे, उन्होंने बोला था कि जैसे ठीक हो जाएगी जितना भी हो सके, उन्होंने 15 दिन का बोला था कि आप रखो प्लीज़ जितना हो सके करो। हमने तो काफ़ी दिन उसको रखा और जितना वर्क कर सकते थे उतना किया है, बहुत बेटर भी हुई है उसकी कंडीशन और अब वो एक हफ्ते में इसको लेकर यहाँ से जाएंगे। जब हम देंगे उनको तो हम उन्हें साथ में स्प्रे या कुछ दे देंगे या हाई मैक्स, ताकि क्योंकि अब तो मक्खियाँ शुरू हो गई, थोड़े से स्क्रैचेस ये तो ठीक हो जाएंगे, एक हफ्ते के गैप में नहीं हुए तो हम जरूर देंगे स्प्रे। तो इवन अगर पिंक स्किन भी आ गई है ना तब भी, हाँ जरूर, क्योंकि ये जो यहाँ पे मक्खियाँ दे ऑल्सो बाइट, तो हाँ तुम्हें तो हमें भी काटती है आने वाले एरिया में स्पेशली। ज्योति को लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबली काम करते हैं मीडिया में, हाँ जी, उन लोगों से काम करने की कोशिश करो, मक्खियाँ तो क्या ही है। नहीं नहीं, आई लव माई टीम फॉर द मोस्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ देम। आज हमने सभी लार्ज एनिमल्स के पानी के टब में इंटराइट पाउडर मिलाया है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ रही है तो हीट स्ट्रेस से उनको बचाने के लिए, साथ ही साथ ही ओरल रिहाइड्रेशन भी कराने के लिए ताकि हमें आईवी से हाइड्रेट करने की उनको ज़रूरत न पड़े। और एक एनिमल फीड सप्लीमेंट भी है ये, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं ही हैं प्लस विटामिन ए डी और ई भी है, और ऐसा हम वीकली करते हैं। बरगा को हमने गगल से रेस्क्यू किया था और उसको किडनी इन्फेक्शन था, उसका क्रिएटिनिन लेवल को ज़्यादा ही बढ़ चुका था। कुछ दिन उसकी ट्रीटमेंट बकायदा चली और इम्प्रूवमेंट भी हमें नज़र आ रहा था, लेकिन जब हमने सेकेंड टेस्ट कराया तो उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन तो उसका कम हुआ है लेकिन ब्लड यूरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके लिए भी हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब नज़र नहीं आ रही थी, और एक दिन जब हम उसे सुबह बाहर निकालने गए तब हमें पता चला कि वो नहीं रही। अब आप मुझे बता दो, मेरे को क्रुएल्टी केस का सबसे पहले तो काफ़ी बेटर है उसको, काफ़ी रिलीफ में है, बेटर दिख रही है, दिखने में पता चल रहा है कि वो काफ़ी अभी पेन में नहीं है, मतलब ऐसे खुश लगती है आराम से, बाहर ट्रीटमेंट के बाद क्रुएल्टी के बाद बाहर घूमती है, उसके बाद खाना भी खा रही है अभी, बस जो नाक से डिस्चार्ज है उसकी वजह से हम सिर्फ उसको लिक्विड दे रहे हैं क्योंकि उसको अभी दिक्कत है खाना खाने में, बाकी बहुत बेटर है पहले से, बहुत काम है डॉग। ये तो आप लोगों का है सारा, है ना, विदाउट एक्सरे विदाउट कुछ कर दिया, हो गया, बहुत सही से चल रहा है उसका ट्रीटमेंट अभी। एंड ऊपर का जो घाव मैंने बताया था ना कि उसमें टिश्यूज बिल्ड हो जाएंगे तो वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं, बहुत जल्दी इतनी जल्दी, हाँ हीलिंग एक्चुअली इतनी फास्ट दिख रही है, जो फर्स्ट डे की कंडीशन थी और जो आज की कंडीशन है उसमें बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। ओए आपने रंग लगा दिया इसको, हमारी हल्दी है, हल्दी है, ओके दैट्स गुड। और ये वैसे भी गलती से लगी है, जानवरों पे हम बिल्कुल एडवोकेट नहीं करते रंग लगाना, सिर्फ पानी वो भी जिनको मजा आए। और जो चड़ी वाला रेस्क्यू, चड़ी वाले के लिए हमें कल कॉल आया था ना, एक अबैंडन ब्रीड डॉग है, एजेड लग रहा है फोटोज में देखने से, तो चला गया होगा, उन्होंने कॉल किया, अब हमने उनको बताया कि आप एक दो दिन थोड़ा फॉस्टर करने की कोशिश करो, हमारे पास जैसी जगह बनती है हम ले लेंगे, लेकिन उन्होंने यही बोला कि मैम आप हो सकता है तो आज रेस्क्यू कर लीजिए नहीं तो मुझे ना चाहते हो फॉरेस्ट में छोड़ना पड़ेगा। ये एक मिसकंसेप्शन गाय को लेके भी है, लोगों को लगता है कि जैसे फॉरेस्ट बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा, नहीं, गाय है डॉग है डोमेस्टिकेटेड पशु हैं, मतलब ये हम पे निर्भर हैं कि भाई हम इन्हें टाइम पे खाना देंगे, हम इन्हें टाइम पे पानी देंगे, हम इन्हें किसी भी खतरे से बचाएंगे। ओए परी, और इसलिए जंगल में खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जंगल में इन्हें छोड़ने का मतलब है कि भाई आपने इन्हें मौत की
सजा सुना दी। हिमाचल का हर वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, रेन भी बहुत ज़्यादा, और समर्स में तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो अभी कुछ दिनों से एनिमल्स को बाहर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, ये लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमने हर जगह ऐसे ग्रीन शटलर्स लगा दिए हैं, इंक्लूडिंग एनरिचमेंट एरिया या पीछे वाला काउशेड भी। अभी हम एनिमल्स को ज़्यादा देर बाहर रख पाते हैं और साथ में हमें भी काम करने में बहुत आसानी होती है। पपी के लिए तो अभी नहीं जाना ना, जो मंकी लेके भाग गया था। नहीं नहीं यार, वो रेस्क्यू टीम तो हमारी निकल चुके थे ना ऑलरेडी, लेकिन फिर गए थे हम। हाँ गए थे, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया कि मतलब हमने उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आपने वहाँ जो भीड़ जमा हो गई थी मंकी को देखने के लिए, वहाँ से हट जाए सब लोग, ताकि जब हम पहुँचे तो मंकी एटलीस्ट इंटैक्ट रहे। हमारी टीम निकल चुकी थी, लेकिन उतने में उन्होंने पता नहीं मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने वहाँ पर डंडे मार के कैसे भी मंकी को, वो पपी को छुड़वा दिया बेसिकली। तो तीसरा दिन, ये तीसरा दिन था, तो तीन दिन तक आई डोंट नो कि वो लोग क्या कर रहे थे, लेकिन जब हमारी रेस्क्यू टीम निकल चुकी थी, हमने उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था कि उन्हें कुछ नहीं करना है, बस हमारे आने का वेट करना है, तब जाके उन्होंने एक्शन लिया कि उन्होंने डंडा लिया और मंकी को मारा और फिर कैसे भी करके पपी को ले आए नीचे, जैसे भी है केस तो खत्म हो गया। तीन दिन तक उस बंदर के साथ, तीन दिन तक। हमारे प्यारे से पोपट को साजन जी और उनके फैमिली ने नगरोटा से अडॉप्ट किया है। आप में से बहुत से लोग पीपल फार्म चैनल पे भी, लोकेट रॉबिन चैनल पे भी कॉमेंट्स में बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अब हम हर एक कमेंट का तो जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाह रहा था। एक और बात, हम लोगों के लिए ना कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करना इन जनरल बड़ा मुश्किल सा होता है। जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, हमें होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम शर्मा जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा कम कर देते हैं, जबकि हमें उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट कह के थैंक यू कह देना चाहिए। अब ऐसा होता इसलिए कि हमें लगता है अगर हमें कोई अच्छा कह रहा है और हम मान लें कि हम अच्छे हैं, तो यानी कि हम हम्बल नहीं हो रहे। हाल ही में मैंने एक कोट पढ़ा कि भाई ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ यू, इट्स थिंकिंग ऑफ यू लेस, यानी कि अपने आप को कम मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए कम।